बेटी जी इज कवरिंग डोनेशन साहब, यानी जब भी आप कहीं भी डोनेशन देते हैं, अगेन डोनेशन बेटा कहां पे देते हैं वो भी सिखाएंगे, अभी तो सिर्फ डोनेशन बोल रहे हैं, तो डोनेशंस देते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 80 जी। याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड, जी से गिफ्ट होता है और गिफ्ट मतलब एक तरह का डोनेशन बोल सकते हैं, तो डोनेशन देना है ना गिफ्ट देना, तो जब मैं किसी को गिफ्ट गिफ्ट मतलब बेटा ऐसा नहीं बोला तुम बर्थडे पार्टी में गिफ्ट दे रहे हो बेटा हमने डोनेशन दिया, ये गंदी बात नहीं करना साहब, हमने बिल्डिंग के नीचे मकर संक्रांति में चार आदमी को खाना खिलाया, ना ना ये सब बातें नहीं, ये सब बातें डोनेशन नहीं हो सकती, ग्रैंड लेवल पे डोनेशन देना इस कवर्ड ईयर आएगा, एक एक करके आएगा, पहले तो पढ़ लो साहब, डोनेशन मस्ट बी मेड टू फंड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जैसे रामकृष्ण मिशन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड है, आप उसको डोनेशन दोगे उन्होंने लिख रखा है आप उनको दे सकते हो, यानी उनके पास एक सर्टिफिकेट है कि भाई आर वी स्पेसिफाइड और नॉट। डोनेशन मस्ट नॉट इन काइंड, तुमने कपड़ा दे दिया दान में, 4 किलो चावल दे दिए, 2 किलो मूंग दाल दे दी, 2 किलो शक्कर दे दिया, ब्लैंकेट बांट दिया गरीब आदमी को, बहुत अच्छी बात है, भगवान तुम्हें बहुत पुण्य देगा पर 80 जी नहीं देगा। क्या हुआ पार्ले जी दे वो तुम दो बेटा, करो गंदी बात करो पढ़ना है नहीं, हमें फालतू बात करनी करो। और हाँ ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ये सबको अवेलेबल कराया साहब, आप कंपनी हो तब भी आप ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगेन पर्पस इज गुड कि आपने किसी सोसाइटी में सेक्शन को हेल्प करने के लिए डोनेशन दी है, तो चलो हम भी आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको डिडक्शंस दे रहे हैं जिससे आपकी इनकम कम हो जाएगी। ये रियल लाइफ में काम आता है बेटा, सम्स में नहीं, डोनेशन का प्रूफ तो अटैच करना ही पड़ेगा, खाली मुंह से बोल दिया मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है ऐसे तो फिर कोई बात ही नहीं है, प्रूफ देना पड़ेगा बेटा। और कैश में तो चीजें देनी नहीं चाहिए, इससे गवर्नमेंट ने फिर भी छोटा सा अमाउंट, कितना अमाउंट 10,000 रुपए वाला छोटा डोनेशन दे सकते हो 10,000 तक, वो मान लेंगे तुम सच बोल रहे हो, बाकी उसके ऊपर चेक देना है तो दो वरना भूल जाओ। इसकी क्वांटम ऑफ डिडक्शन में समझा ही नहीं सकता इस पेज के अंदर में, इसलिए मैंने लिख दिया डिस्कस्ड ऑन लेटर पेज, इसकी एक अलग पढ़ाई है, वो अलग पढ़ाई क्या है साहब, कॉपी में आ जाओ, कॉपी में वहां मत पलटो, वहां से देखो कंफ्यूज हो जाओगे आप, बहुत सिंपल सी बातचीत है पर एक बार आप जब पहली बार देखेंगे तो लगेगा सब कितना सारा है, बिलीव करें एक बार लगेगा वो, तो कॉपी खोल लीजिए फटाफट आप लोग और पेन भी निकाल लीजिएगा और एक प्रॉपर फ्रेश पेज पे लिखिएगा जो भी मैं बोलूंगा, आप आधा आधा पन्ना वाला जगह मत लेना यार। आई एम डिस्कसिंग ट्राइंग टू डिस्कस डिडक्शन अंडर 80 जी इन अ डिफरेंट मैनर जिससे वो हमें याद हो जाए साहब। एकदम सेंटर में लिखा है ना, एकदम इक्वल डिवीजन के तौर पे ऐसे मोटा मोटी लाइन डालना सेंट्रल डिवीजन के हिसाब से, डिडक्शन अंडर 80 जी, ये दाया बाया हो गया तो कोई बात नहीं, एरो बीच से निकाल लेना, नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरा है विथ लिमिट ऑर्गेनाइजेशन। पूरी बात समझने में थोड़ा सा समय देना बेटा, एकदम जंप मत करना ऑन आस्किंग क्वेश्चन कि सर ये क्या है ये क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10 मिनट पहले उसकी भूमिका बनाने दो तब समझ में आएगी बात, सर भूमिका कौन है, भूमिका मीन्स एक तरह का आवरण, एक तरह का यू कैन से इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा। सब समझ जाते बेटा, हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है क्या, नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो सब, नो लिमिट का मतलब है आप यहां पर जितना रुपया डोनेट करना चाहते हो, मैंने डिडक्शन वर्ड नहीं बोला, आप जितना रुपया डोनेट करना चाहते हो उस डोनेशन पे देर इज नो लिमिट, और यहां पे आप डोनेट करते हो तो गवर्नमेंट ने पहले उस पर एक अंकुश लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया, एक स्टॉपेज लगा दी, सर प्लीज डू नॉट डोनेट अबव दिस अमाउंट, हेंस द नेम विथ लिमिट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड दिमाग में जा रहा है साहब, यहां पे डोनेशन का कोई लिमिट नहीं है और यहां पे डोनेशन का लिमिट है, डिडक्शन का लिमिट नहीं होता है,
क्योंकि डोनेशन पे अगर लिमिट लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली डिडक्शन पे लिमिट लग जाएगा, तो आपका नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डोनेशन का कोई लिमिट नहीं है, यहां पर है। और फिर उसके बाद इसके अंदर दो एरो, इसके अंदर दो एरो, हम एकदम सलीके से बनाना साहब, ताकि स्पेस भी रहे उसके अंदर में। यहां पे ऐसे लिख ले तो डोनेशन टू, वर्ड ऐसे लिख ले सेंटर में एकदम, डोनेशन टू नो लिमिट, डोनेशन टू विथ लिमिट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और यहां ऐसे बीच में लिख ले, बहुत सुंदर चार्ट बन रहा है, एकदम ढंग से बनाना। नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप डोनेट कर लोगे, ऑफ कोर्स जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो डिडक्शन इस अमाउंट पर जो भी आप डोनेट कर रहे हैं या तो 100% मिल जाएगा या तो उसका 50% मिलेगा। यानी आपने 500 रुपया दिया और वो यहां पे फॉल कर रहा है तो पूरा 500 डिडक्शन, यहां पर अगर फॉल कर रहा है आपने 500 रुपया दिया तो 500 का 50% 250 मिलेगा। तो कितनी चीज याद रखनी है, देखो लिमिट है कि नो लिमिट है वो याद रखो, और 50 से 100 याद रखो, और यहां पे भी 100 और 50, तो टोटल में चार चीज आपको याद रखनी होगी 80G के लिए। अब आपको कितना कंफ्यूजिंग लग रहा हो साहब, कितना याद रखना है, ये चार ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब नो लिमिट है कि लिमिट है और 100 है कि 50 है, वो मैंने यहां इस पेज में दे रखा है साहब, पेज 132 में आना, 132। बस छोटा सा चार्ट है, फटाफट याद हो जाएगा आपको। कितने नाम है काउंटिंग काउंटिंग वाइज, 23-23 पढ़ने में दिख रहे हैं, ओहो 24 नाम है, तो 24 नाम याद हो जाएंगे सर, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पर मैंने बोला ना याद हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ बोलता हूं, सुनते रहिए, अपना रिएक्शन बताते रहिएगा, फिर मैं बाद में उसको इस 23-24 नाम में से जितना हद तक हो पाएगा रेट कर दूंगा। ऑफकोर्स कुछ फिर दो चार तो आप भी मेहनत करेंगे ना, खाली बॉर्नविटा पीने से थोड़ी बड़े हो जाएंगे आप, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो मैं बॉर्नविटा वाला काम करता हूं, ठीक है साहब, मैं आपको DHA देता हूं, खाओ। ऑर्गेनाइजेशंस पे लिमिट नहीं होने का मतलब गवर्नमेंट चाहता है, अगेन थिंकिंग उस पे ले जाना, पहले गवर्नमेंट चाहता है कि तुम जितना चाहो दे दो, क्योंकि जितना रुपया आप दोगे इसमें हम यूज कर पाएंगे देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए। तो गवर्नमेंट इज सेइंग प्लीज कम टू अस एंड गिव दिस डोनेशन। तो यहां पे बड़े ग्रैंड लोग होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होने चाहिए, जिन पे नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होना चाहिए, और उसमें 100% होना चाहिए, तब जबकि वो उसके अंदर भी बहुत सुपीरियर है, और इसमें जो थोड़े से इंफीरियर है वो कहां होने चाहिए, 50 पर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कि वो ग्रैंड लेवल पर हो और उसमें भी वो सबसे बेस्ट हो तो 100%, और थोड़े कम बेस्ट हो तो 50%। तो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट कौन सा होता है इंडिया में, एकदम सुपर जवाब, प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट खाली किताबी नॉलेज है, प्रेसिडेंट का पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है, पर प्रेसिडेंट के हाथ में आप जानते, देखिए अब तो देश में हमारा क्या हाल रहा है, कि क्या होता है, कुछ नहीं करता प्रेसिडेंट, खाली जाता है वो संस्कृति वाले एग्जाम गाने वाले में बैठा रहता है, तो कोने में जाकर चुपचाप से मीटिंग अटेंड करता रहता है, शोज अटेंड करता रहता है, वो खाली शो पर कठपुतली है, कुछ नहीं करता, वो सब प्राइम मिनिस्टर काम करता है। तो इंडिया में मेरा सवाल फिर से, सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, तो जितना भी फंड प्राइम मिनिस्टर के नाम से जुड़ा हुआ होगा वो सारे के सारे फंड नो लिमिट में होने चाहिए, बड़ा इंसान है, और बड़े में भी बड़ा इंसान है, तो 100 में होना चाहिए कि 50 में होना चाहिए, 100 में। तो प्राइम मिनिस्टर फंड कीवर्ड मैंने दे दिया सब, बस कीवर्ड हो गया मेरा, वो सारे के सारे यहां पर आ गए, ठीक है। अब मैं आपको नंबरिंग बोलूंगा फटाफट, वो नंबरिंग आप खाली पढ़ना पूरा पूरा नाम वहां पे, 5-4 नंबर सर्कल कर लेना, क्योंकि मैंने समझा दिया वो बात प्रूव हो जाएगी, 4 नंबर 5 नंबर हो गया, कोई गलत बात, सामने पढ़ना कितना परसेंट है, मैक्सिमम लिमिट एनए, देख देख देख, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एनए मतलब नो लिमिट, और डिडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब क्वालिफाई होने के बाद डिडक्शन कितना परसेंट, 100, तो 100 और 100, बात प्रूव्ड हो गई। अब आपको गलत क्या लग रही होगी साहब, 3 नंबर, कुछ गलत लग ही नहीं सकती साहब, उसका नाम जरा ढंग से पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर
ड्रॉट रिलीफ फंड, कोई बता सकता है ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा, एकदम देश में सूखा पड़ गया तो 100% सूख कर यहां आ गया। ₹100 सूख कर 50% बन गया, हो गया काम खत्म। भारत के सम्मान की बात हो तो आपको कैसा लगेगा सब? वो कहां होना चाहिए इस चार जगह में से? पहले वर्ड बोलो, नो लिमिट विद लिमिट। भारत का सम्मान 100 की 50, तो एनीथिंग विच इज बिगनिंग विद द वर्ड नेशनल, एनी फंड विच इज बिगनिंग विद द वर्ड नेशनल फंड, अब उसके अंदर वो क्या डाल रहे हैं हमें इतना नहीं पता साहब, बस नेशनल वर्ड के साथ फंड बना तो वो नो लिमिट 100% में होना चाहिए। ये बात सुनाई दी साहब? चलिए साहब, वन नंबर पूरा पढ़ना, ऐसे नहीं कि नेशनल वर्ड पढ़ के निकल लिए फिर मजा नहीं आएगा सर। आपको तो नाम भी पढ़ना है, नेशनल डिफेंस फंड। डिफेंस तो सर देश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हिस्सा है, इसमें तो अरबों रुपया कम है। और उसके बाद 10 नंबर, मैंने जो बोला वो पढ़ लेना बेटा, ऐसे क्यों करता तुम लोग मेरे साथ में? 1 और 10, कोई दिक्कत लग रही है? नहीं लगी सर, आपकी बात बेकार हो जा रही है सर। कैसे बेकार हो जा रही है? 7 नंबर पढ़ी तो सर ढंग से। सर नेशनल चिल्ड्रंस फंड हो गया 50K, कैसे याद होगा सर? बहुत सिंपल है, बच्चे छोटे होते हैं, 100% छोटा हो गया तो नेशनल चिल्ड्रन फंड छोटा हो गया। यहां आ जाओ बेटा, तुम चुपचाप बच्चे हो, 100 में मत बैठो, तुम्हारी हाफ टिकट लग रही है। अब 7 नंबर का वर्ड 50 है ना यार, हुआ ना? क्या तुमको प्रेशर हुआ अभी तक इतना सारा याद करने में? उसी तरह अपने कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा वर्ड, क्या 10 में? क्योंकि तुम्हारे अंदर कम्युनिटी वाली भावना नहीं, समझ में नहीं आ रहा बेटा। कम्युनल हार्मनी, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी क्या क्या नाम है और सब, महाराष्ट्र के लोग और कितने जाति के लोग रहते हैं, उनमें एक हार्मनी बनी रहे, उसमें पीस बनी रहे, उसके लिए हम लोग देश के अंदर में एक ऐसा कैंपेन ला रहे हैं, एक ऐड ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों में गलत भावना नहीं आ जाए। कम्युनल हार्मनी के लिए हम काम कर रहे हैं, बड़े देश के लिए कर रहे हैं साहब। तो ये सब फंड बनाया गया। अब फंड के अंदर मत घुसो प्लीज, नहीं 80G नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसे मत करो यार, मत पूछो सब बात, गंदी बात है। फिर बताओ कि मुन्ना एक स्टेट का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है पॉलिटिकल पार्टी में? चीफ मिनिस्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो भी फंड चीफ मिनिस्टर के नाम से स्थापित किया जाए वो आना चाहिए नो लिमिट 100% में। इसमें ज्यादा नहीं सर, दो ही नाम होंगे, 12 नंबर 16 नंबर, 12 नंबर 16 नंबर वाह। अच्छा नेशनल वाला बात अपने कर रहे थे, नेशनल में 17 और 18 भी हो चुका था, नेशनल वाला फंड पढ़ लेना प्लीज, 17 18 पढ़ के बोलना। हाँ ना ठीक है, नेशनल इलनेस फंड ठीक है ना, हो गया इतना सारा कवर्ड हो गया। फिर बताना बेटा एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है देश के लिए, छोटा बड़ा रोल? नो लिमिट में हो कि विथ लिमिट में हो? नो लिमिट में 50 पे हो कि 100 पे हो? तो एजुकेशन के लिए बनाया गया फंड शुड बी ऑन 100% नो लिमिट कैटेगरी। तो देखो ना एजुकेशन को ये लोन है कि अपना फंड है क्या? 11 नंबर पहले एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिला। 14 नंबर ढंग से बढ़ना, जिला साक्षरता, हिंदी का वर्ड है साक्षरता मतलब एजुकेशन, तो जिला साक्षरता समिति यानी वो देश को साक्षर बना रहा है गांव के अंदर जाकर, एजुकेशन हेंस द आंसर। तो एजुकेशन के लिए फंड, ये सब परफेक्ट साइंस नहीं हो रही साहब, मैं तो रॉ ऐसी बात बोल रहा हूं जिससे याद हो जाए, मैं क्लिक कर जाए चीजें, वरना 24 पॉइंट तो याद होने का नहीं किसी भी और तरीके से। फिर बताना साहब आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू को सोचकर, सुनामी आ गई, केरला का पूरा शहर तबाह हो गया, अर्थक्वेक आ गया, पूरा का पूरा गुजरात खत्म हो गया 2001 में कि 6 में ऐसा कुछ, 2 में, क्या आपकी फीलिंग है सब उसको सुनकर? खराब? अच्छा नेपाल में अर्थक्वेक आया, अच्छा लगा, नेपाल तो चलो यहां पर अपने नई बॉर्डर में आ रहा, बाहर आ रहा, फिर भी आपको खराब लगा था, आप क्या करेंगे एज ए ह्यूमन बींग, आप क्या करेंगे साहब? सर जितना होगा उतना हेल्प कर पाएंगे, जो हमारे हमारे सामर्थ्य में होगा। तो देश में ऐसा फंड बनाया जाता है जब भी कोई इस तरह की विपदा आती है, ये विपदा तो बार बार नहीं आ रही, जब आएगी उसी समय फंड बनेगा, साल भर तक का फंड रहेगा फिर खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा फंड कहां होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारा ही फंड ना, मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं रहा, तुम्ही से पूछ रहा हूं, नो लिमिट 100%। तो पॉइंट नंबर 6
अफ्रीका में प्रॉब्लम हुई थी तो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया था, पढ़ रहे ना वो आपको बुक से पढ़ना, 6 नंबर और 13 नंबर 13, ठीक है। इसमें सुनामी फंड है नहीं, सुनामी कभी आया तो संभाल लेना, हालांकि फंड सब क्लोज हो चुके फिर भी नाम तो आ ही सकता है। और 15 ऐसी देखो समझ में आ जाएगा, फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेडिकल रिलीफ ऑफ द पुअर, यानी किसी को प्रॉब्लम हुई होगी तो पुअर के लिए हेल्प किया गया, तो अगेन ऑन द लेवल 100%, सही जा रहा है साहब, कुछ बचा नहीं अपना, 100% में ऑलमोस्ट सब कवर्ड हो गया। अब फिर बताना 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, याद है? याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस। चलो पता नहीं हुआ तो भी अपने को पता है कांग्रेस का बॉस कौन रहा था, इसलिए नेहरू परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार रहा है 1947 से लेकर कितने साल तक वो लोग राज किए हैं, अभी बस ये भाजपा के पहले भी वही लोग राज कर रहे थे, है ना। That means we can say they have ruled the country for almost 4 decades, कम से कम 5 decades ऐसा कुछ, तो उनका भी इज्जत बहुत बड़ा हो गया, नाम तो बहुत बड़ा हो गया, तो उस नाम को हम लोग नो लिमिट में रखे, वो रखे हम क्या रखे, क्योंकि वही तो राज कर रहे थे। अब वो अपने को कहां रखेंगे साहब, 100 में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो है तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो वहां पर खराबी नहीं ला सकते थे। इसलिए देश का सबसे बड़ा परिवार नेहरू परिवार 50% में आ गया साहब, ऐसे लिखना जो मैं बोल रहा हूं, नेहरू परिवार, हां नेहरू परिवार, 2 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, डाउट लग रहा है क्या बेटा? जवाहरलाल नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, इसलिए हुआ ना नेहरू परिवार, हम साथ साथ हैं और कैसे बताएंगे, इसलिए यूज द वर्ड नेहरू परिवार, इसे तुम्हें चेन पता होना चाहिए, तीनों नाम अपने आप समझ में आ जाएंगे। डन साहब, तो ये 100% कवर्ड हो गया ऑलमोस्ट हमारा। अब ये जो बचा विथ लिमिट, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने उन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को रखा, अप्रूव्ड जो इंपॉर्टेंट है पर वो इस वर्ड्स के साथ में नहीं आते, तो इंपॉर्टेंट है पर वो अपना लिमिट के साथ में आता है सर, इसमें एक लिमिट में डोनेशन करिए वही बहुत अच्छी बात है। तो उसके अंदर में आप देखिएगा, पहले मैं वर्ड से वहां से उठाऊंगा, 22 नंबर पहले, गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो की वर्ड है फैमिली प्लानिंग, प्रमोट करने की ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो पता ही आपको, तो की वर्ड मार्क कर लो फैमिली प्लानिंग। अब देखो ये आप कहां पर आएगा वो, ठीक है, उसमें कितना परसेंट लिखा पहले तो 100, ध्यान देना फैमिली प्लानिंग के लिए देश का स्लोगन है हमारे भारतवर्ष का, पता है वो क्या, हम दो हमारे दो, तो आपके परिवार का लिमिट होना चाहिए विथ लिमिट, और इस लिमिट के लिए आपको 100% जोर लगाना पड़ेगा तभी हम दो हमारे दो होंगे, इसलिए फैमिली प्लानिंग। तो यू शुड बी 100% डेडिकेटेड ऑन द स्लोगन हम दो हमारे दो, तो लिमिट ऑफ द फैमिली विथ 100% डेडिकेशन। अब इसके अलावा जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस बच गए उन सबको अपने 50% में डाल देंगे साहब, सिंपल 50% में डाल देंगे। जैसे एक और नाम पहले उठाएंगे 50 में, 19 नंबर उठा बेटा, अच्छा 19 में सब यहां पे वर्ड दिख रहा, सब में ये वर्ड आ गया लिमिट, इससे पता चल जाएगा विथ लिमिट। 19 नंबर क्या नाम है, एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशंस विच सैटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ 80G, एग्जाम में वर्ड होगा या तो 80G5 या तो ये वर्ड होगा या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होगा और आसपास कुछ वर्ड नहीं होगा, तो समझ गए कि ये सब किस में आ गए 50 में। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, तो यहां ऐसा मत पढ़ना फैमिली प्लानिंग लिखी हुई है, यहां पे अदर देन फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि वो 50 नहीं हो सकता है, लेकिन फैमिली प्लानिंग 100% है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी में 50। एनी कॉरपोरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10, ये आपको याद नहीं रखना है, फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आप तो जानते हैं हमारे देश में माइनॉरिटी वर्ड को लेकर कितना ऐसी बवाल होते जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये इश्यूज बहुत बड़े देश के अंदर में ये लगा हुआ है कि माइनॉरिटी सेक्शन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता साहब, इसलिए उनके लिए भी एक फंड बना के छोड़ दिया गया है, पर उस फंड का
इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए विथ लिमिट डोनेट करो और डिडक्शन भी कम वाला मिलेगा, कितना 50%। इनको मैं वर्ड में नहीं बांध सकता साहब, इसमें मैं यही बोल सकता हूं एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 80G(5) एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड अंडर 80G(5) अपने देश के लिए ओलंपिक्स क्या वैल्यू रखता होगा साहब, सेंटिमेंटल वैल्यू वही हम लोग के लिए बहुत रखता होगा कि यार इतना 125 करोड़ का देश है, हम लोग को एक गोल्ड मेडल, आजकल तो एक गोल्ड मेडल आ जाता है, ऐसा नहीं है, फिर भी टाइम था लोग बोलते थे इतनी बड़ी कंट्री में एक गोल्ड मेडल भी नहीं आ रहा है, खराब लगता था ना। तो ओलंपिक के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया, एसोसिएशन बना दी कि सेटअप करो, पैसे दो हम ताकि लोगों को ट्रेन कर सके। अभी जैसे एक फिल्म आई थी ना साला खड़ूस बोलकर, एक तो फिल्म आपने देखा ना, वो रियल पिक्चर है कि बॉक्सिंग या ऐसी कोई भी चीजों को लोग प्रमोट नहीं करते हैं। क्रिकेट इज द टॉप फ्रंट, उस पर अरबों रुपया है, वहां पे प्रमोट हो रहा है, पर कुछ चीजों को नहीं प्रमोट कर रहे, तो हम ओलंपिक्स में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ओलंपिक्स के लिए उन्होंने फंड बना दिया, तो ओलंपिक पे पैसा दो जिस पे डिडक्शन, आपको आपको क्या लगता है कौन सा वाला होना चाहिए इसमें से, 100% एटलीस्ट सेंटिमेंटल वैल्यू है, पर उसको नो लिमिट में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको कितना भी दे दो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए जितना भी दो लिमिट में दो भाई, तो लिमिट में दो, 100% ले लेना डिडक्शन। तो ओलंपिक एसोसिएशन, उसका ग्रैंड वर्ड मेन वर्ड ओलंपिक एसोसिएशन पे ध्यान दे लेना, बाकी रीड कर लेना कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को देना या इंस्टीट्यूशन डेवलप फॉर द स्पॉन्सरिंग देम उनको देना। और एक लास्ट बच गया साहब, एज वी सेड अर्लियर कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबका अपना अपना एक जगह होता है जहां पे वो पूजा करते हैं। वी गो टू मॉस्क, वी मे गो टू टेम्पल, वी मे गो टू चर्च, तो इन सब जगहों की रिपेयर के लिए भी पैसे लगते हैं। तो एनी नोटिफाइड टेम्पल, अगेन वर्ड टेम्पल नहीं है साहब, नोटिफाइड होना चाहिए, यानी बड़े बड़े टेम्पल्स, सड़क पर भी अपने इंडिया में जाओगे तो हर पेड़ के नीचे भगवान बैठे होते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हर एक पेड़ के नीचे होते हैं, तो सब उसके लिए नहीं बात कर रहे, नोटिफाइड टेम्पल। अब इस टेम्पल के आगे तुम खुद सोच लो, जितना भी धर्म है, तो मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च सब इसमें आ गए, इन पर आप डोनेट करोगे तो लिमिट में करो साहब, क्योंकि ठीक है ये सेंटिमेंटल वैल्यू है बट लिमिट, एंड डिडक्शन मैक्सिमम कितना होगा। तो हम लोग इस वर्ड को ऐसे लिख लेंगे साहब, टेम्पल, मॉस्क एक्सेट्रा, कोई भी एक दो वर्ड जो आपको समझ में आए, इनका रिपेयर के लिए, अगेन इसका रिपेयर के लिए या रिन्यूअल के लिए, जैसे मंदिर टूट गया है, गिरजाघर में तकलीफ हो गई है, मॉस्क में, गुरुद्वारे में, कुछ भी, तो वहां पे छोटा मोटा रिपेयर कराना है, दीवार या पेंटिंग ऐसा कुछ, तो आप कर सकते हो साहब, तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो फॉर द रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ सच प्लेसेस वेयर वी वर्शिप कैन बी अवेलेबल डिडक्शन। तो ये आपको ऑलमोस्ट आई थिंक कवर हो जाएगा सारा पॉइंट, और थोड़ी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी वो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, वो 50 होगा, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, इसमें ना जहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर फंड, नेशनल फंड, चीफ मिनिस्टर फंड ये सब लिखे थे ना, इसमें एक और वर्ड ऐसे लिख ले, नेचुरल कलामिटी फंड। वो बात हो गई थी गुजरात अर्थक्वेक फंड, सुनामी फंड, ये सब वर्ड खाली एक और लिखने से और ऑथेंटिक हो जाएगा, नेचुरल कलामिटी फंड। ठीक है इसमें और एक बात सुनते हैं, पेज 131 में आएंगे ना बेटा, 80 जी का मेन सेक्शन जो था 131, ये सेक्शन डोनेशंस यानी गिफ्ट को कवर करता है, तो याद रखने के लिए जी से गिफ्ट है यानी डोनेशन से, बात नहीं करी प्लीज, ये किसी भी एसएससी इवन कंपनी तक को भी मिल सकता है। डोनेशन मस्ट बी मेड टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, नहीं ये हो गया, फिर भी एक बात बोलनी मुझे, आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, गरीब बच्चे को पढ़ा दिया, अच्छी बात है, पर दैट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो बच्चा इंस्टीट्यूशन नहीं है।
मकर संक्रांति में सारे लोगों को खाना खिलाया, 100 गरीबों को, अच्छी बात है, पर दैट इज नॉट इंस्टीट्यूशंस। डोनेशन जिनको दे रहे हो वो अपने अपने क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशंस भी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80G होने चाहिए। तुम्हें दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन के नाम थोड़ी पता होते हैं, तुमने तो दो चार वर्ड पढ़ लिए, प्राइम मिनिस्टर फंड, ऐसा फंड, 2000 इंस्टीट्यूशन से ऊपर नाम है, तो क्या होता है, उनका नाम होता है कवर्ड अंडर 80G5, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G5। ये बोलने का तरीका होता है, अंडर सेक्शन 80G ब्रैकेट में 5। तो एग्जाम में ये वर्ड मिल गया तो वो इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हो गए, पर इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हो गए, स्पेसिफिक फंड कवर्ड हो गए। फिर डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, तुमने किसी को कपड़ा लत्ता दान दे दिया, बहुत अच्छी बात है, पर दैट इज नॉट एलिजिबल। कैश में कितना तक डोनेशन दे सकते हैं, 10, उसके ऊपर देना तो क्या दो भाई, चेक दो, ये एक बात हो गई। अब हम इतनी देर से जो वर्ड लिखा कि बेटा ये विथ लिमिट ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिट है, तो व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड लिमिट है, लिमिट डिडक्शन पे नहीं होता है, लिमिट आपके डोनेशन के अमाउंट पर है, आपने कितना रुपए डोनेशन दिया उस पर लिमिट है। तो लिमिट क्या है साहब, लिमिट का मतलब है, यहां पे एस्ट्रिक्स लगाइए, विथ लिमिट का मतलब पर, लिमिट इज 10% ऑफ, किताब में लिखा हुआ है बेटा, फिर भी आप लिखो अपने नोट्स के अंदर में, जहां भी आप लिख रहा था, लिमिट इज 10% ऑफ AGTI। सर नया वर्ड आ गया सर, कोई बात नहीं, AGTI मतलब GTI तो समझ में आ रहा है सर, ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI का मतलब हो गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI का मतलब एक फॉर्मूला है, GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शेयर मार्केट वाला वो माफ हो जाएगा, माइनस ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 मतलब सारा, जो तुम पढ़े वो भी, जो नहीं पढ़े वो भी, लेकिन तुम किस सेक्शन पे सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए सॉल्यूशन है, जी के लिए, तो जो 80G सॉल्व ही नहीं हुआ है उसका डिडक्शन कैसे ले सकते हो, इसलिए ऑल डिडक्शन अंडर 80 एक्सेप्ट 80G। ये है वो AGTI का फॉर्मूला, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का फॉर्मूला। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो गई साहब, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म गेन पे गवर्नमेंट डिडक्शन वैसे भी नहीं देता है, शॉर्ट टर्म गेन पे भी नहीं देता है, वैसे तो कैजुअल इनकम पे भी नहीं देता है, पर उसको माइनस नहीं किया, पता नहीं क्यों, माइनस ऑल डिडक्शन ऑल एक्सेप्ट 80G, ये AGTI निकलेगा, और AGTI का 10% विल बी द लिमिट। लिमिट का मतलब तुम उससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते हो, अगर तुमने डोनेट कर दिया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम डिडक्शन नहीं देंगे, तो लिमिट इज नॉट ऑन डिडक्शन, लिमिट इज ऑन डोनेशन। ये भाषा भी समझ में थोड़ी सी रंग लगी, थोड़ी देर को समझ में आ जाएगा, लिमिट इज ऑन डोनेशन, लिमिट इज ऑन डोनेशन, हाउ मच यू डोनेट दैट इज 10% ऑफ AGTI, उससे ज्यादा मत दो, एक इमेजिनरी फिगर। एक बंदे का AGTI लिखना साथ साथ 1,00,000 रुपीज आया, तो बच्चों ऑटोमेटिकली लिमिट कितनी हो गई इसके लिए, 10,000, यानी इसे पता चल गया कि इसे 10,000 रुपए से ज्यादा डोनेट नहीं करना चाहिए, पर इसने ऐसा माना ही नहीं, इसने डोनेट कर दिया, कैसे डोनेट कर दिया, समझो जिस इंस्टीट्यूशंस को इसने डोनेट किया, जिनको डोनेशन देते हैं उनका नाम होता है डोनी, ठीक है, धोनी नहीं है, डोनर और डोनी, तो डोनी से नाम कुछ नहीं दूंगा, से दो ऑर्गेनाइजेशन से, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन 100% आपको डिडक्शन दिलवा सकता है और सेकेंड वाला 50% दिलवा सकता है। इसने पहले वाले में डोनेशन दिया है 3,000 रुपया, सेकेंड वाले में डोनेशन दिया है 12,000 रुपया,
तो इसका मतलब 12 प्लस 3 इसने 15 डोनेट कर दिए। ये आपका क्वेश्चन पार्ट रहेगा, इस तरह का आरो बना लो, समझने में आसान रहेगा कि सर ने बोला था, ये क्वेश्चन पार्ट हो गया, ये आरो का लेफ्ट पोर्शन क्वेश्चन पार्ट। तो आप बताओ 15 डोनेट कर सकता है भाई? नहीं। एजीटी का 10% 10,000 है, यानी इसका क्वालिफाइंग अमाउंट जो है मैक्सिमम 10, हमेशा मैक्सिमम वाला फिगर पहले चिपका देना, इसका मैक्सिमम डोनेशन जो है 10,000 होना चाहिए। द लिमिट इज नॉट ऑन डिडक्शन, डिडक्शन बाद में आता है, पहले डोनेशन का क्वालिफाइंग अमाउंट आता है। तो तुम कौन सा वाला लोगे साहब 10 के अंदर में? ऑप्शन कितना सारा है साहब, ये 12 है, ये 3 है, कौन सा वाला लोगे, कैसे लोगे साहब बोलो? पहले 3 लोगे, क्यों पहले 12 क्यों नहीं ले रहे हो? कोई रीजन होना चाहिए बात का, ऐसा नहीं कि सर ऐसे लेने से चलेगा, मुझे रीजन सुनना है। खुद सोचो, अपने ऊपर सोचो, जवाब एकदम दे दोगे। तुम्हें 100 रुपया अच्छा लगता है कि 50 रुपया? तुम्हें 100% डिडक्शन अच्छा लगता है कि कम परसेंट डिडक्शन अच्छा लगेगा? तो जो परसेंट 100 है वो पहले क्लेम करोगे ना यार, वो पहले यूज करोगे ना। तो तुमने हमेशा 100% वाले अमाउंट को देखकर यहां चिपका देना है। अगर इससे अमाउंट एग्जॉस्ट हो गया, 10,000 खत्म हो गया, तो बात ही खत्म। लेकिन नहीं हुआ सर, अभी भी कितने का स्कोप है? तो जब मेरे पास ऑप्शन है अभी भी 7 का, तो मैं क्या करूंगा? जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट कितना बचा सर? ये वाला। इसमें है कितना? 12, पर 12 ले नहीं सकता हूं, ले कितना सकता हूं सर? बैलेंसिंग फिगर, 10 पे से 3 गया 7। जब आपका क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया तो आप इसको रेस्पेक्टिव डिडक्शन के परसेंटेज से इंटू करते हैं और तब आपका डिडक्शन का फिगर आता है। ठीक है सर, और बात करेंगे, खाली इतनी सी बात से नहीं छोड़ेंगे। समझो सर, तुम्हारा मन हो गया कि नहीं यार सर हमको ये वाला पहले लेना है, क्या दो झमेला कर रहे हैं सर आप, सीधा ये ले लेते तो कितना अच्छा होता। आप 10 क्लेम कर सकते हैं, 12 में से 10 पूरा आ जाता, एक तो संगन्ना नहीं होता, एकदम साफ साफ सब होता। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम ऐसा करते इफ, तो तुम सेकेंड वाले ऑर्गेनाइजेशन से 10,000 पूरा ले लेते। इस पर डिडक्शन कितना मिलता? 50%। तुम्हें गंदगी नहीं करनी थी, तुम्हें सब इजी रखना था, कर लिया, कितना रुपया डिडक्शन हुआ? तुम्हें 5,000 डिडक्शन अच्छा लग रहा है कि 6.5 अच्छा लग रहा है? डिडक्शन ज्यादा अच्छा। तो ये ज्यादा पाने के लिए तुम्हें यही करना पड़ेगा कि पहले 100% को यूज करो, बाद में 50% को यूज करो। तो बस सिंपल की वर्ड, अब सबको इजी कर लो, लॉजिक समझ में आ गए तो पहले कौन सा यूज करना है? 100। अगर 100 है ही नहीं तो बात ही खत्म सर, जो है उसको लेंगे ना। तो 100 पहले है तो नहीं तो 50 लास्ट में ले लेंगे, इसको नहीं लेते साहब, ये रॉन्ग कंसेप्ट हुआ ना। अच्छा सर दोनों 100 है तो क्या लेंगे? देखा फिर गंदी वाली बात, जब बोल दिया 100 पहले लेना है और दोनों 100 है तो तुम किसी को पहले ले लो ना सर, ये चूज करेंगे क्या? नहीं बेटा 10,000 है, जिसको ले लो। मान लो बेटा दोनों 100 होता, मैं नहीं छेड़ रहा उसको, ऐसे में दोनों 100 होता तो मत काटना, तो फिर क्या फर्क पड़ता मैं इसमें 3 और इसमें 7 लिखता, यहां पूरा 10 लिखता, घूम फिर कर मेरा आंसर सेम आता। तो समझो मैंने इस पर अंकुश नहीं लगाया, द लिमिट इज नॉट ऑन द डिडक्शन, द लिमिट इज ऑन द डोनेशन पार्ट। जब आप डोनेशन वाले फिगर पे ही रोक लगा दोगे तो बेटा डिडक्शन तो अपने आप ही कम होगा, ज्यादा तो ही नहीं सकता है। इसलिए द लैंग्वेज इज द लिमिट इज ऑन डोनेशन नॉट ऑन डिडक्शन, वो पेज 131 में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो 131 नहीं है सॉरी 132 में, देखो यहां पर फर्स्ट लाइन पहले 132 AGTI means, ये बात मैंने आपको कॉपी में लिखवा दी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एलिजिबल डोनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ AGTI, साथ चल रहे ना? ये पॉइंट हटाइए ए और बी, बेकार है कंफ्यूजन होगा। द लिमिट इज, आप ये हटाओ, ये भी मत बोलो, ये पढ़ना खाली, द लिमिट इज ऑन द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ द डोनेशन एंड नॉट ऑन द डिडक्शन, नॉट ऑन द लिमिट इज नॉट ऑन इंडिविजुअल डोनेशन। हमने कभी रोक नहीं लगाई साहब, हमने तो एग्रीगेट फिगर बोला 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10,000 निकालने के बाद तुम ब्रेकअप खुद करो कि कौन सा हम पहले क्लेम करेंगे, और ये सारा चक्कर
विथ लिमिट वाले ऑर्गेनाइजेशन का है, विदाउट लिमिट में तो कोई टेंशन ही नहीं सर, उसमें कोई लिमिट ही नहीं, तुरंत लो इंटू 100 याद करो और इंटू 50 है तो याद करो, काम करो, सम खत्म हो गया। सर आइए सम देखते हैं, थोड़ा और बात क्लियर हो जाएगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ो बेटा पहले। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर दीपक हु गिव्स द फॉलोइंग डोनेशन। तो यहां डोनेशन मिला, इससे समझना है 80G का समय, ये है डोनेशन जिनको दिया गया, अमाउंट कितना आपने डोनेट किया, और ये कॉलम ध्यान से देखना बेटा। मैंने लास्ट डे बोला था कि अगर आप नॉन टैक्सेबल सोर्स से, एग्जेम्प्टेड इनकम से कोई भी तरह का पेमेंट करते हो तो उस पैसे को डिडक्शन के लिए मान्यता नहीं दी जाती है। तो इनकम फ्रॉम विच द पेमेंट इज मेड, तो आपने किस किस इनकम से दिया पहले ये पढ़ लेना चाहिए, सब हल्का हो जाएगा। सर सैलरी टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर इनकम सर नॉन टैक्सेबल है, चूंकि ये नॉन टैक्सेबल है लिखो ना, सुनने का वेट करते बोलेंगे तब, तो ये क्रॉस कर दो, हमने तो इसकी बात ही नहीं करनी है, इट इज नॉट एलिजिबल। अब ये जवाहरलाल नेहरू फंड है, मैं इसमें घुस ही नहीं रहा हूं साहब, अगर नेहरू परिवार है तो 50% नो लिमिट, पर मुझे बोलना ही नहीं है क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल है। सर बाकी देखिए, बिजनेस टैक्सेबल, अदर सोर्सेज टैक्सेबल, अदर सोर्सेज टैक्सेबल नहीं होता है क्या, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है इससे। सैलरी सैलरी तो सारे ठीक है सर। अब मैं फिर इधर से पढ़ूंगा, नेशनल डिफेंस फंड। अच्छा सर पहला वर्ड नेशनल, नेशनल मतलब 100% नो लिमिट, ये करोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म लिख लो साहब, नो लिमिट को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं क्लास में। सेकेंड हो गया खत्म। तीसरा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर तो 100 होता है लेकिन ड्रॉट यानी सूखा, सूखा यानी 50, खाली बोलने से नहीं चलेगा, नो लिमिट। फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नो लिमिट 100%। फिर प्राइम मिनिस्टर का अमीनिया अर्थक्वेक फंड, पता नहीं क्या क्या नाम अजीब सा बोल रहा, हमें तो नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर फंड पता है सर, नो लिमिट 100%, पता है ना आपको, पर गलत पता है ना सर। सर डोनेशन इन काइंड नहीं दिख रहा आपको, कोई भी चीज अगर काइंड में डोनेट करते हो तो चाहे वो कितना भी बड़ा डोनेशन क्यों ना हो साहब, इट इज नॉट एलिजिबल। अभी तक कोई लिमिट वाला है नहीं सर, कोई बात नहीं आ जाएगा। लोकल पुअर पीपल बोलो किस में रहेगा, ये लिमिट के नो लिमिट, इसी लाइन से तो बात चालू किए थे सर, ये कोई इंस्टीट्यूशंस थोड़े ही है, ये तो इंसान है, इंसानों का डोनेशन अलाउड नहीं है, संस्थाओं का डोनेशन अलाउड है, ही इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, लोकल पुअर पीपल, इट्स वेरी गुड यू डोनेटेड देम, वेरी गुड, पर 80G के लिए नॉट गुड सर, इसलिए एलिजिबल ही नहीं है। इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,00,000 है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 है, ये मेरे तब काम लगता है जब इसमें एक भी ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिट का होता, एक भी ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिट का नहीं है तो सर एजी 10 निकालेंगे क्यों, 10% सोचेंगे क्यों, खाली 100% 50% इंटू करना बेटा। तो पहले इसका वर्किंग देखो, जगह है क्या उसमें, हाँ है, सोल्यूशन बुक में देखो। क्वेश्चन 5, Thank you.
शाल भी बात करें, पहले इसको नोट बंद देखेंगे बेटा, डिडक्शन अंडर 80G बात नहीं कर बेटा, नेशनल डिफेंस फंड फटाफट बोलना है, ये 100% था, कितना रुपए डोनेट किया था वो? हाँ 10,000, तो ऐसे लिखो 10,000, यहाँ पे कॉलम बनाओ 10,000, ये इसका क्वालिफाइंग अमाउंट है, 10,000 इंटू 100% यानी 10,000, ऊपर लिखो ए बी और यहाँ पे उसका लॉजिक ए इंटू बी, करो सिस्टमैटिक हो बेटा, खाली सम नहीं सॉल्व करो ना, समझो, क्वालिफाइंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द परसेंट, आंसर आ गया, जवाहरलाल नेहरू फंड है ही नहीं साहब, एलिजिबल ही नहीं है, हटा दो, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड 50%, कितना डोनेशन दिया? हाँ 20 का 50% हो गया 10 का डिडक्शन, ये डिडक्शन है, यानी लिखो डिडक्शन, ये क्वालिफाइंग अमाउंट है, ये क्वालिफाई करेगा तब तो डिडक्शन मिलेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड 100% इंटू 20 और, तो ये भी 10 नहीं 20 हो गया ना, 20,000, अर्थक्वेक वाला सर काइंड था नहीं आया, लोकल पुअर पीपल ऐसे लिख लो, नॉट एन स्पेसिफिक, नॉट एन एलिजिबल, नॉट एन इंस्टीट्यूशन, नॉट एन इंस्टीट्यूशन। अब डिडक्शन सिर्फ ऐड करते हैं तो 10, 10, 20 और 20 40,000 रुपया 40,000, हुआ फिर समय आए कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर दीपक सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर दीपक इनका लॉन्ग टर्म गेन है 20,000 और अदर इनकम 180। कैसे निकाला 180 में भाई, सम ने हमें 2,00,000 बता दिया था, 2,00,000 में से 20 माइनस कर दिया तो 180 पता चल गया, इस तरह 2,00,000 आ गया। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, इस समय एक ही डिडक्शन मिल रहा है सर 80G, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। कितना बेटा 80G में, नीचे आया था ना 40 है कुछ, आया था 40,000 या तो गया, ये तो रहा डिडक्शन, अब कितनी बार आएगा 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, ये थोड़ा और प्रॉपर और रिफाइंड सेमेस्टर, इसमें ज्यादा आइटम्स है अपने पास बात करने के लिए। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 ऑफ मिस शिखा एन इंडिविजुअल, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन, यहां तक तो 3 इनकम हो गए बेटा, तो ये 3 अपना एक ग्रुप हो गया जिससे GTA आ जाएगा। सम पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन भी आते जा रहा है साहब, मन में सोचना, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी लाइफ पर, तो कौन सा सेक्शन 80D, अपने ऊपर आदमी 15,000 तक खर्चा कर सकता है, उसने सिर्फ कितना किया है 5,000, तो पूरा 5 का डिडक्शन मिल जाएगा। 80D की बात हुई है क्या आपके साथ? नहीं हुई है, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस में किस में कवर्ड है? 80D में। कितना रुपया कवर्ड है? 15 तक कवर्ड है, 15 तक, तो यह कितना दिया है 5।
डोनेशन, वर्ड पर ध्यान दे, एक दो तीन चार सारा वर्ड डोनेशन है, तो ये पूरा यहां से डोनेशन का पार्ट 80G है। चलो साहब, नो लिमिट और विथ लिमिट 150 ट्राई करो। डोनेशन फॉर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, मैंने तो यही पे आंसर ढूंढ लिया सर, नो लिमिट 100%। डोनेशन फॉर गुजरात गवर्नमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, अच्छा अर्थक्वेक मतलब नेचुरल कलामिटी, नो लिमिट 100%। इंदिरा गांधी नेहरू परिवार, ड्रॉट फंड सूखा वाला फंड, नो लिमिट लेकिन 50 में। अब धीरे, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई नाम नहीं है तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब है 80G5 वाला, यानी विथ लिमिट 50%, विथ लिमिट 50%, 80G5 में जो कवर्ड हो गए। फिर डोनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो सर फैमिली प्लानिंग भी विथ लिमिट लेकिन 100%। किसको पहले इस्तेमाल करना है साहब, अगर 150 दो आदमी आ रहे विथ लिमिट में तो पहले यूज कर लिए सर, सर पहले इसको लेंगे 3 ईयर को, बाद में जो बचा वो इससे लेंगे। डोनेशन टू अ पुअर बॉय, हाँ सर नॉट एलिजिबल। डोनेशन ऑफ क्लॉथ टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, सर यहां पे खत्म हो गए ना सर, इन काइंड है, अप्रूव्ड होने से क्या होता है, आधा आधा वर्ड थोड़ी पढ़ते हैं, पूरा वर्ड में घुस जाते हैं साहब, कि वो काइंड है सर, नहीं हो सकता है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऐसा कोई सेक्शन था कि किसी पर्टिकुलर समाज के लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, सर ऐसा करेंगे ना तो एक समाज में, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 50 तो धर्म है, किसी एक धर्म को अगर बढ़ावा दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप तो समझ रहे हैं, वहां माइनॉरिटी नहीं लिखा बेटा, पर्टिकुलर कम्युनिटी लिखा, वो भी इसका नाम नहीं लिखा है, क्यों किसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि ऐसी कोई सेक्शन है ही नहीं सर, सो दे आर नॉट एलिजिबल। ये हो गया आपका सम्स, अब आपको करना कैसे उसे देखना है, तो आइए कॉपी में लिखें। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा क्या पहले, हेडिंग के पीछे मत पड़े रह जाना बेटा, सम्स पे आ जाना, पहले बिजनेस इनकम आता है फिर लॉन्ग टर्म गेन आता है, यू हैव टू अरेंज, सम में अरेंज नहीं करना है, तुम्हारी हेडिंग अरेंज करने की, उसके बाद अदर सोर्सेज आता है। वही फिर लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, समझे तो बेटा, 80D आया था ना, तो 80D इनर कॉलम में 5000 का मेडिकल प्रीमियम, 80D पढ़ाएंगे साहब, एक लाइन सुनने में कोई नहीं, मेडिकल प्रीमियम, और 80G पहले अल्फाबेट डी आता है उसके बाद अल्फाबेट डी आता है, इसलिए जी बाद में आया, इसका अमाउंट पता नहीं सर, तो दो लाइन रख लो सम खत्म करने के लिए। हो गया सर,
अब इसको निकालना है, टफ पार्ट है सर, उसके लिए एकदम धीरे धीरे चलेंगे। नोट वन, नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस, पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। नो लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस, चार कॉलम, पहला डोनी, दूसरा क्वालिफाइंग अमाउंट, क्यूए का मतलब क्या बेटा चल रहा है, परसेंटेज 150 वाला, और इंटू करके ये वापस ये भी लिख लेते बेटा, ये ए है और ये बी है, तो ये ए इंटू बी है, बाद के लिए नहीं छोड़, क्यों हम रिविजन में हार्ड करेंगे चीजों को। चलो अब लिखना तो ही क्या, नो लिमिट, फटाफट उनका नाम बोल दो, एक एक वर्ड बोलना जो जरूरी जरूरी वर्ड हो। नहीं नहीं, एक नेशनल फंड था पहले कम्युनल हारमोनी वाला, नहीं था क्या, तो मिस हो जाएगा ना, 4000 रुपया था उसमें 100% नेशनल फंड फॉर कम्युनल हारमोनी, ताकि लोग लड़े नहीं, शांति से रहें, हारमोनी बनी रहे एक दूसरे के अंदर में, परिवार में 6 आदमी होते तो वो लड़ मरते एक दूसरे से, 125 करोड़ आदमी शांति से रहना इतना आसान काम थोड़ी है। बिल्डिंग में 4 आदमी रहते हैं, उनके 4 फ्लैट होगी तो उसमें एक फ्लैट हमेशा ऐसा होगा पर्सन होगा जो हर समय लड़ने के लिए रेडी रहता है। देश में कितने ऐसे सारे फ्लैट हैं, इंसान हमेशा अपनी पर्सनल ग्रीवांसेस कहीं ना कहीं निकालने के लिए लगा रहता है कि कैसे लड़े दूसरों से। कोई आदमी घर से निकलता है इसी मूड से कि आज तो किसी से भिड़ना है, तो कम्युनल हारमोनी बनी रहनी चाहिए बेटा, इससे अपने पर्सनल मुद्दे घर पे रखा करो, ठीक है। तो आगे फिर और क्या था, गुजरात फंड, ऐसे लिख दे तो समझ में तो आ जाएगा, कितना है फंड बेटा 5000, कितना परसेंट, बहुत धीरे हो, सब लिखा जा चुका उसके बाद नहीं बोल पा रहे हो। राम स्नेह तुम्हारा, राम बढ़ाओ, नहीं तो जंक फाइल भरी अंदर में, जंक फाइल डिलीट करना जाके, 360 डिग्री डाउनलोड करना अंदर में, ऐसे कुछ आता है ना, बाबा 360 डिग्री दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आता है सब। और क्या फंड है, वाह वाह, नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, सर बेटी नेहरू जी की है, टाइटल गांधी क्यों लगाई है, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, अभी नहीं बात करेंगे, बताएंगे बेटा, अभी पहले ये करो ना, ये रह जाएगा, एक टीचर निकल जाएगा। कितना 1000, 50%, 500, फिर सूखा फंड, ड्रॉट, कत टाका दिए 5000 टाका, 50% हलो 2500, क्या हो गए, खत्म हो गए, और तो कुछ है नहीं ना इसमें, तो यहां पे सिर्फ बेटा डिडक्शन ऐड होते हैं, 4, 5, 9 और 5, 14 और 2, 16 नहीं 3000 ना 4, 3, 7, 12000, 12000 क्या, तो ये टोटल 12000 हो गया। यहां पे ऐसे लिख ले, ए वर्किंग नोट यही रहेगा साहब, इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी के अंदर ही, हाँ। फिर AGTI लाइन चेंज करके अब 12 टेबल से इक्वल्स टू उसी के नीचे कंटिन्यू करो बेटा, कितना नीचे चले गए हो, एक लाइन नीचे जा रहे हो ना, माइनस LTCG माइनस शॉर्ट टर्म गेन ही नहीं ना, तो लिखे नहीं ना, अपने को तो पता है ना क्या होता है, तो उसको हटा देते हैं, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट, वर्ड हल्का करो, अंडर सेक्शन 80G जो निकला नहीं है वो कहां से माइनस कर देंगे, इसने एक्सेप्ट कर दिया उसको, माइनस कर दिया, छोड़ दो उसको, उसको छोड़कर बाकी कुछ भी हो उसको आप माइनस कर सकते हैं, वो नहीं है उसको भूल जाते हैं 80G को। तो सर AGTA कैसे निकलेगा, GTA का फिगर देखो आपने पीछे टेबल में जोड़ा है ना सर, 5,90,000 माइनस उसमें LTCG कितना था, पूरा का पूरा 5,00,000 साफ हो गया सर, माइनस डिडक्शंस के तौर पर 80G छोड़कर, वो तो है ही नहीं अभी भी, उसके अलावा एक और था सर, 80D था ना, तो कितना था, तो ऑल डिडक्शन, अगर इस समय 80D एक है बेटा और चार होते तो चारों ले लेते, जितना होता ले लेते, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G,
तो 590 में से 5 लग गया, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए इसके लिए यार, 90 में से 5 गया 85,000, कैलकुलेटर को दुख हो जाएगा तुमने ऐसा कैलकुलेशन पे किया तो। लिमिट कितना परसेंट था? 10, तो लिमिट इज 10% ऑफ ए जी टी आई। सेम तरीके से कॉलम सारे सेम है। अब क्वेश्चन में जाके देख बेटा, पहले हमारे पास विथ लिमिट वाले लोग हमने पहले छांट लेने होते, इसीलिए विथ लिमिट वाले कितने लोग थे तो उस दो में 100% वाला कौन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको पहले बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं बोलते बेटा, अच्छा वर्ड नहीं है वो, फैमिली प्लानिंग, तभी तो नाम सामने आएगा ना। फैमिली प्लानिंग में हमने डोनेट किया 3,000, जब मैं 3 लिख रहा हूं ऐसा नहीं कि लिख दे रहा हूं, लिखते समय सोच रहा हूं कि सर 8.5 पार नहीं किया हूं मैं, 8.5 से ऊपर नहीं किया हूं ना, तब तक ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा 30,000 लिख दूंगा, 8.5 तक लिखना है तो 3 लिख सकता हूं, तो कितना परसेंट सर? 100, यानी 3,000 मिल गया। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या था? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें मैं रुपया नहीं लिखूंगा, सीखूंगा रुपया नहीं लिखूंगा अभी, इसके नीचे मैं पहले टोटल लिख लूंगा और टोटल में वो मैक्सिमम फिगर लिख दूंगा, व्हाट वाज माय लिमिट 8500, इस वाले फिगर को टर्न के लिख दिया मैंने 8,500 को। अब मैं 12 देख ही नहीं रहा हूं, मैं पहले बोलूं अच्छा यहां पे स्कोप कितने का है, 5,500 का, फिर मैं पढ़ा कि मैंने कितना डोनेशन दिया उनको, मैंने तो 12,000 डोनेट कर दिया, तो 12 आपने डोनेट किया, सरकार ने थोड़ी डिडक्शन देना आपको, सरकार ने कितना बोला लिखने के लिए, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर 5500 इसका 50% 2750। अब ए और बी निकला तो 80G का ही पढ़ाई है बेटा, तो ए और बी को अपने प्लस कर लिया, देखो ये पीछे लिखे थे अपने, कितना हो जाएगा जोड़ करके 17750, तो ये आपका 80G का फाइनल फिगर हो गया। ये मेहनत बस थोड़ी सी और कुछ भी नहीं था। तो 17750 नोट नंबर 1, इनर कॉलम से बाहर लाए, माइनस किया, सो इनकम बचा बेटा 5672 और 50। ठीक है साहब, सिंपल है, हार्ड नहीं, क्योंकि सबसे हार्ड पार्ट क्या था पता है? पहले तो 24 नाम याद करना, वो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया हमारे लिए, अब अगर वो याद हो गया तो फिर ये 80G का जो लिमिट वाला पार्ट है उससे संभालना, उसमें कॉन्सेप्ट है कि पहले 100 वाला लो, बाद में दूसरा जो बचा वो लो, पर उस 10% को पार बिना किए।